जन्म के बाद बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल बहुत ज़रूरी है और बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसे पौष्टिक आहार खिलाएं जो उनके विकास में सहायक हो। आपको बता दें, अगर आप बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो उनकी आहार योजना और आदतों में स्वस्थ और संतुलित भोजन को जोड़ने की कोशिश करें। एक बच्चे के गलत खान पान के पीछे कहीं ना कहीं उसके माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बच्चों को खान पान की आदत घर से ही लगती है। उसे बचपन से जैसी आदत डाली जाएगी, आगे भी वही आदत बढ़ती रहेगी। इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा की खान पान की आदतें सेहतमंद हो और उसे हर तरह के पौष्टिक आहार मिले। चलिए हम आपको बताते हैं उन पौष्टिक आहारों के बारे में जो बढ़ते बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी हैं। 5 साल के बच्चे तक के लिए बेहद ज़रूरी हैं ये तत्व, जिसमें सबसे पहले शामिल है प्रोटीन। प्रोटीन आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर के उच्च विकास, रखरखाव और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप बच्चों की डाइट में रेड मीट, मछली, अंडे, दूध, दही उत्पादे, दाल, बीन्स और सोया उत्पादों को शामिल करना आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस है। कार्बोहाइड्रेट, बच्चों के विकास के लिए जितना ज़रूरी प्रोटीन है, उसके संपूर्ण और संतुलित विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके बढ़ते बच्चे के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए आप अपने बच्चे को आलू, चावल, ओट्स, ब्रेड जैसे कई स्टार्च वाले कार्ब से भरपूर खाना खिलाएं। साबुत अनाज उस फाइबर से समृद्ध होते हैं। वसा, स्वस्थ रहने के लिए आपके बच्चे को आहार में फैट यानी कि वसा भी बेहद ही आवश्यक है। हालांकि ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप बच्चे को अच्छी वसा और सही मात्रा में ही दें। इसके लिए आप बच्चे को वसा युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि मांस, मछली, डेयरी उत्पाद, घी, मक्खन, नट्स आदि का सेवन करवा सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चे को सैचुरेटेड फैट के बजाय अनसैचुरेटेड फैट ही दें, क्योंकि सैचुरेटेड फैट होने से आपके बच्चे को आगे चल के हृदय संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ा रहता है। इसी के साथ बच्चों के आहार में कैल्शियम को भी ज़रूर शामिल करें। शरीर को कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसलिए बच्चे की हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप अपने बच्चे की डाइट में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ ज़रूर शामिल करें। कैल्शियम के अच्छे स्रोत दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, पालक और ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। इसके अलावा बच्चों की डाइट में आयरन को शामिल करना ना भूलें। एक बच्चे को स्वस्थ रक्त के साथ साथ शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों में साबुत अनाज, दालें, बीन्स, रेड मीट, नट्स और सूखे फल, डार्क ग्रीन सब्जियां जैसे पालक शामिल है। बच्चों की डाइट में विटामिन्स को भी जरूर शामिल करें। बच्चे के स्वस्थ विकास और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी विटामिन उसके आहार में होना बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थों में दूध, दही, अंडे, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, शकरकंद, लाल मिर्च और पालक शामिल है। इसके अलावा विटामिन सी में खट्टे फल, जामुन, टमाटर, ब्रोकली, स्प्राउट्स और मिर्च विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, जबकि सूरज की रोशनी विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। इसके लिए आप अपने बच्चे में अंडे, मछली, सोया दूध को बच्चे की डाइट में शामिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी अपने बच्चे का विकास चाहती हैं तो अपने बच्चे को इन पोषक तत्व से ज़रूर सेवन करवाएं। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।